Hello my students, welcome back. So presently we are learning our third science chapter, which is air, water and weather. So already हमने इसमें land breeze, sea breeze, then evaporation, condensation, the factors which are affecting evaporation, ये सभी पढ़ाई किया. And in previous session we just learned dew, frost, fog, rain, hail and snow. Okay, and these are formed under different conditions due to the condensation. Condensation ki wajah se ye form hota hai. So in today's session we will learn about underground water. Aaj humne underground water ke bare mein padhai karega. So let us get started. So we all know rain is the ultimate source of water on our earth. Okay, हमको जो fresh water सबसे ज़्यादा बारिश से मिलते हैं. So ये बारिश होने के time क्या होते हैं, जो water होते हैं, it will get sinked into the ground. वो ground में जाएगा. It will pass through the top soil first, then subsoil and the porous rocks. Porous rocks मतलब water can pass through that kind of rocks. Okay, porous rock mein jo pani pass hote hai, then finally it will get settled on non porous rocks. Jo non porous rocks hote hai uska beech mein ye pani settle ho jayega. Non porous rocks matlab uske andar pani nahi jayega. Okay, so barish ke baad jo pani hote hai, it will get sinked into the ground. It will pass through the top soil, subsoil and finally it will get settled on the bedrock. Bedrock mein pura non porous rocks hote hai. Ye non porous rocks ka beech mein ye pani settle hote hai. Okay, so this is actually underground water. Jo hamara mitti ke sabse niche ye pani hote hai. So the level of this water we can refer it as water table. Jo underground water ka level hai, हमने बोलते हैं उसको वाटर टेबल. उसको हमने वाटर टेबल कहते हैं. द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इट इज़ नोन एज वाटर टेबल. सो समर सीजन में देखें तो हमको पता है समर सीजन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो इवाब्रेशन रेट भी ज़्यादा होते हैं वो टाइम. हमने पढ़ाई किया था टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवाब्रेशन भी ज़्यादा होते हैं. सो समर सीजन में इवाब्रेशन की वजह से क्या होते हैं, ये वाटर टेबल इट विल रिमेन लो. मतलब समर सीजन में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत लो होते, बहुत कम होते. लेकिन रेनी सीजन होते हैं, विंटर सीजन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, इवाब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा. वो टाइम वाटर टेबल इट विल सीम लाइक टू बी हाई. रेनी सीजन में वाटर टेबल हाई होते हैं, मतलब वाटर का लेवल ज़्यादा होते हैं. सो दिस वाटर लेवल इट वॉन्ट बी सेम इन ऑल रीजन्स. सारा रीजन्स में, सारा जगह में ये वाटर टेबल सेम नहीं होते. जो कई कई प्लेस में वाटर टेबल वेरी लो होते हैं, कई कई प्लेस में वाटर टेबल वेरी हाई होते हैं. सो जो प्लेस होते हैं उधर, जो वाटर टेबल लैंड सरफेस का बहुत बाजू में है, वो एरिया में हमको जो पानी मिलना बहुत इजी होते हैं. ओके, वी कैन ऑब्टेन दैट वाटर बाय यूजिंग हैंड पंप्स. हैंड पंप्स यूज़ करके हमको वो पानी वी कैन टेक इट. ओके, लेकिन जो कौन सा एरिया में जो वाटर टेबल बहुत लो होते हैं, ऐसे जगह में वी हैव टू डिग वेरी डीप. बहुत डीपली हमको डिग करना पड़ेगा. एंड वी कैन पम्प आउट दैट वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइक ट्यूब वेल. इलेक्ट्रिक मोटर से भी रख के हमको ये पानी ऊपर कर सकते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर. वेदर मतलब इट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर एटमोसफियर. जो हमारा एटमोसफियर का कंडीशन को हमने वेदर कहते हैं. एंड इट विल बी वेरीड बाई टाइम टू टाइम. टाइम टू टाइम जो हमारा वेदर चेंज होते हैं. ओके, एंड वो लोग जो वेदर स्टेशन में और
वेदर स्टडीज़ में काम करते इन लोगों को हमने मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं, उन लोगों को हमने मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। वेदर फोरकास्टिंग मतलब क्या? वेदर फोरकास्टिंग मतलब वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर डेज में जो हमारा वेदर लाइक टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बारिश मिलेगा और नहीं, और ह्यूमिडिटी कैसे हो जाएगा, इसके बारे में सभी हमने हमको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी और दिस एप्लीकेशन ऑफ साइंस इट इज़ नोन एज वेदर फोरकास्टिंग, इसको हमने वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। ओके, सो इसकी वजह से हमको पता चला गया था कि इन फ्यूचर डेज हाउ इट विल बी द टेम्परेचर एंड हाउ इट विल बी द रेनफॉल, ये सभी हमको पता चलता है। सो दिस टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज वेदर फोरकास्टिंग।